हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मंगेश और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग क्यू एन ए यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PBN बैकलिंक्स के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं PBN यानी कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि PBN जो होता क्या है, PBN बैकलिंक्स क्या होते हैं, उसके बाद PBN बैकलिंक का मैं एक आपको इमेज दिखाऊंगा, उसके थ्रू आपको डिटेल में समझाऊंगा कि PBN बैकलिंक कैसे काम करता है। उसके बाद अगर आपका एक PBN नेटवर्क है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क है, तो आप उसे अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं, यानी कि PBN बैकलिंक आपकी वेबसाइट के लिए यूजफुल है या फिर वो आपकी वेबसाइट को जो है हार्म कर सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि PBN बैकलिंक जो है कौन सी SEO टेक्निक है, क्या वो ब्लैक हैट SEO है, वाइट हैट SEO या फिर ग्रे हैट SEO है। उसके बाद जो लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक जो है लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि PBN बैकलिंक कैसे आप बना सकते हैं। लाइव एक वेबसाइट का एग्जांपल मैं आपको दूंगा जिसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि PBN बैकलिंक से कैसे उन्होंने 1.2 मिलियन जो है ट्रैफिक जनरेट किया है अपनी वेबसाइट पर। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिए। हो सकता है आप स्किप कर दे तो कोई ऐसा पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट आप छोड़ दें PBN बैकलिंक के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते आज की नई वीडियो। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि PBN बैकलिंक होते क्या है। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, PBN यानी कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। प्राइवेट यानी कि हमारा खुद का ब्लॉग, जैसा कि आप सभी जानते हैं। नेटवर्क यानी कि एक हमारी जो है बाउंड्री, यानी कि एक जाला जिसके अंदर सारे जो ब्लॉग्स हैं वो प्राइवेट, यानी कि उन सभी ब्लॉग के ओनर हम खुद हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो अगर मेरी, मान लीजिए मेरी 10 वेबसाइट्स हैं, तो जो वो मेरी 10 सारी वेबसाइट है वो मेरा एक PBN नेटवर्क हो गया, यानी कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। यानी कि वो 10 की 10 वेबसाइट मेरी खुद की है, उन 10 वेबसाइट का ओनर मैं हूँ, तो मैं उन वेबसाइट पर कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरा एक जो है 10 वेबसाइट का नेटवर्क हो गया। तो ये होता है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। अब मैं चलिए आपको थोड़ी सी डेफिनेशन से इसको क्लियर कर दूँ। तो व्हाट आर PBN बैकलिंक्स, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, अब PBN इज़ अ नेटवर्क ऑफ वेबसाइट, जैसा कि मैंने बताया, एक जो है वेबसाइट्स का जाल। जैसा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 वेबसाइट है, तो 10 वेबसाइट का एक नेटवर्क, वो मेरा PBN हो गया, ठीक है। अब उसे यूज़ किस लिए करा जाता है, तो PBN इज यूज्ड टू बिल्ड लिंक्स एंड देयर फॉर पास अथॉरिटी टू अ सिंगल वेबसाइट फॉर द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटिंग सर्च इंजन रैंकिंग। यानी कि जैसा कि आपको यहाँ पर देखकर डेफिनेशन पढ़ के क्लियर हो रहा होगा कि PBN जो है बैकलिंक्स, हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स बनाने के लिए यूज होता है, जिससे कि आपको डूफॉलो बैकलिंक मिलता है और उसका जो है लिंक जूस पास होता है, और उससे अल्टीमेटली आप जो है गूगल की सर्च इंजन में अच्छे से ऊपर रैंक कर पाते हैं। तो बेसिकली PBN बैकलिंक्स इसीलिए यूज किए जाते हैं कि कम से कम समय में आप जो है वेबसाइट के लिए डूफॉलो बैकलिंक ले सकते हैं हाई अथॉरिटी वेबसाइट से, और जो है अपनी रैंकिंग को बूस्ट कर सकते हैं। तो मेजरली अगर मैं बात करूं, बहुत से PBN नेटवर्क होते हैं, काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं, पर मेनली अगर मैं बात करूं तो इवेंट ब्लॉगिंग में PBN नेटवर्क बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो लास्ट में मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक जो लाइव एग्जांपल भी दिखाने वाला हूं। तो चलिए अगर मैं आपको एक और डेफिनेशन से क्लियर करूं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क ऑफ अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स, यानी कि ये एक ऐसी वेबसाइट्स का जो है जाला होता है, नेटवर्क होता है, जिसमें आपके पास हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं। अब वो होती कैसे, आप जो है या तो एक्सपायर डोमेन बाय कर लेते हैं हाई अथॉरिटी वाले, या फिर आप खुद अपनी वेबसाइट्स बिल्ड करते हैं, उनकी अथॉरिटी बिल्ड करते हैं, और उसके बाद उसके थ्रू लोगों को जो है PBN बैकलिंक्स देते हैं। तो उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यूज टू बिल्ड लिंक टू योर मनी वेबसाइट, यानी कि PBN बैकलिंक बेसिकली यूज उन वेबसाइट के लिए करे जाते हैं जिन वेबसाइट से आप जो है मनी जनरेट करते हैं। तो अगर जो वेबसाइट आपको मनी जनरेट करके देती है वो हायर रैंकिंग में आएंगी, तो आप वहाँ से ज़्यादा मनी जनरेट कर पाएंगे। तो इसलिए PBN बैकलिंक उन्हीं वेबसाइट्स पर यूज़ होता है जिन पर जो आपकी मेन वेबसाइट होती है, जिन पर आपको जो है हाई ट्रैफिक चाहिए होता है, जिन पर आप जल्दी से रैंक करवाना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूज टू बिल्ड लिंक ऑन योर मनी वेबसाइट फॉर द पर्पज ऑफ रैंकिंग हायर इन द गूगल सर्च इंजन, यानी कि गूगल सर्च इंजन में रैंक हाई करने के लिए।
ठीक है, और इसे जो है आप क्लाइंट वेबसाइट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप PBN लिंक को सेल भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे एग्जांपल देने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू बताता हूँ कि PBN बैकलिंक कैसे काम करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो है योर वेबसाइट, ये मेरी एक मेन वेबसाइट है, ठीक है। मान लीजिए मेरी ये वेबसाइट है www.bloggingqna.com, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास मेरी 8 ऐसी ही और वेबसाइट हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक वेबसाइट ये तो थी हमारी मेन वेबसाइट, उसके बाद ये है PBN की एक और वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे मान लीजिए मेरे पास 8 और वेबसाइट्स हैं। अब मान लीजिए मेरी जो वेबसाइट है ये है ब्लॉगिंग के ऊपर, bloggingqna.com मेरी मेन वेबसाइट है। अब मान लीजिए मेरे पास ऐसी ही 8 और वेबसाइट है जिनमें मैं SEO के बारे में लिखता हूँ, ब्लॉगिंग के बारे में लिखता हूँ, मेक मनी ऑनलाइन के बारे में लिखता हूँ, तो उनसे मैं इन्हें बैकलिंक दे सकता हूँ। जो मेरी मेन वेबसाइट है bloggingqna.com उसे बैकलिंक दे सकता हूँ। मान लीजिए ये मेरी एक वेबसाइट है, इस पर मैं bloggingqna.com का एक बैकलिंक इस वेबसाइट से ले लूँगा, एक बैकलिंक इस वेबसाइट से ले लूँगा, एक इससे, मतलब जितनी भी मेरी अदर वेबसाइट्स हैं जो कि PBN जो नेटवर्क है मेरा, उन सभी वेबसाइट से मैं अपनी एक मेन वेबसाइट जैसे कि bloggingqna.com उसके लिए बैकलिंक ले लेता हूँ, तो वो एक तरह से PBN बैकलिंक हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे दूसरे प्राइवेट ब्लॉग्स हैं जो मार्केट में रन कर रहे हैं उन सभी से मैं अपनी एक मेन वेबसाइट के लिए बैकलिंक ले रहा हूँ। तो इससे होगा क्या कि जैसा कि आपको पता है कि PBN से आपको जो है डूफॉलो बैकलिंक मिलता है, तो होगा क्या कि जो मेरी मेन वेबसाइट है उसको 8 अदर वेबसाइट से, रेलिवेंट वेबसाइट से यहाँ पर डू फॉलो बैकलिंक मिल जाएगा। डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा तो वहाँ से लिंक जूस पास होगा, लिंक जूस पास होगा तो गूगल समझेगा कि हाँ भाई जेन्युइन वेबसाइट है, इसको लोग डू फॉलो लिंक दे रहे हैं तो यहाँ पर इसको रैंक हाई करना चाहिए, तो गूगल उसको रैंकिंग हाई कर देगा। तो ये सारी चीज़ें होती है PBN के, जो है मेन मोटिव यही होता है कि आपको वहाँ से डू फॉलो बैकलिंक मिलता है और गूगल समझता है कि ये जेन्युइन वेबसाइट है और वहाँ से रैंकिंग आपकी हाई हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि PBN बैकलिंक आपके लिए यूज़फुल है या यूज़फुल नहीं है। तो मैं आपको सिंपली एक जो है क्लियर एंड कट स्टेटमेंट बताता हूँ। अगर आप जो है PBN बैकलिंक अपनी रेलिवेंट निश से रिलेटेड वेबसाइट से PBN बैकलिंक लेते हैं तो वो आपको हेल्पफुल हो सकता है। अब अगर आप जो है इररेलीवेंट PBN से बैकलिंक लेंगे तो वो आपको जो है हो सकता है आपको गूगल पेनल्टी भी पड़ जाए। मैं आपको जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। चलिए मान लीजिए मेरी ये है मेन वेबसाइट bloggingqna.com, तो जैसा कि आप सबको पता है इस पर मैं ब्लॉगिंग के बारे में पोस्ट लिखता हूँ, SEO के बारे में पोस्ट लिखता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर आप देख पा रहेंगे 8 और वेबसाइट है। अब मान लीजिए ये सारी 8ों की 8ों वेबसाइट मेरी ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही है या फिर इनमें से कुछ SEO से रिलेटेड है, तो ये जो 8 वेबसाइट होंगी ये मेरे निश से रिलेटेड है, यानी कि मैं जो मेन वेबसाइट है उस पर भी ब्लॉगिंग के रिलेटेड पोस्ट करता हूँ और ये जो 8 वेबसाइट अदर जो PBN नेटवर्क है ये भी जो है ब्लॉगिंग SEO से रिलेटेड है, तो अगर मैं इनसे यहाँ पर बैकलिंक लेता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो ये जिन वेबसाइट से मैं बैकलिंक लूँगा ये मेरे निश से रिलेट करती है, यानी कि ब्लॉगिंग से, SEO से रिलेट करती है। अब मान लीजिए मेरी वेबसाइट है ब्लॉगिंग के बारे में और मैं जो है PBN बैकलिंक ले रहा हूँ टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट से या फिर जो है कॉमेडी वेबसाइट से या फिर जो है शायरी वाली वेबसाइट से बैकलिंक ले रहा हूँ, तो गूगल को पता चलेगा कि भाई ये जो बैकलिंक यहाँ से आ रहे हैं PBN बैकलिंक ये आपके रेलिवेंट नहीं है, तो इससे जो है हो सकता है गूगल पेनलाइज कर दे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग हो जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग PBN बैकलिंक आपकी वेबसाइट के लिए हेल्पफुल तभी होगा जब आप उन PBN वेबसाइट से लिंक लें जो आपके निश से रिलेटेड है। अगर आपके निश से रिलेटेड वेबसाइट नहीं है तो आप उनसे PBN बिल्कुल ही मत लें, मैं क्लियर एंड कट आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊँ, अगर जैसा कि आपके पास टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट है तो आप टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट्स के PBN बैकलिंक लें, अगर आपकी शायरी वाली वेबसाइट है तो आप शायरी वाली वेबसाइट से PBN बैकलिंक लें। ये नहीं कि आपकी टेक्नोलॉजी पे वेबसाइट है और आप शायरी वाली वेबसाइट से PBN बैकलिंक ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो आपको नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो PBN यानी कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बैकलिंक होते हैं वो कौन सी SEO कैटेगरी में आते हैं, क्या ये वाइट हैट में आते हैं, ब्लैक हैट में आते हैं या फिर ग्रे हैट में आते हैं। तो मैं आपको क्लियर एंड कट बता दूं, PBN जो बैकलिंक है वो आपके ब्लैक हैट SEO में आते हैं। अगर गूगल की बात करें, अगर गूगल की स्टेटमेंट देखेंगे तो गूगल क्लियर एंड कट बोलता है कि अगर आप एक प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क से बैकलिंक लेते हैं तो वो हमारा जो है ब्लैक हैट SEO में आता है।
तो ऐसा नहीं कि आप इसे नहीं कर सकते, अगर आप निश से रिलेटेड हैं तो आप 100% पीबीएन बैकलिंक ले सकते हैं। इसका मैं आपको जो है आगे एक वेबसाइट का लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, जिन्होंने अपने निश से रिलेटेड वेबसाइट से बैकलिंक लिए हुए हैं, पीबीएन बनाए हुए हैं, और उनका जो है मंथली 1.2 मिलियन का ट्रैफिक है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अब ये है जो पीबीएन बैकलिंक है वो आपका ब्लैक हैट एसईओ में आता है, ना ही ये वाइट हैट में आता है, ना ही ये जो है ग्रे हैट में आता है। तो अब बात करते हैं, अब अगर आप फाइवर पे जाएंगे तो आपको फाइवर पर ऐसी हज़ारों जो है सर्विसेज मिल जाएंगी, जिन पे आपको जो है लोग कहेंगे कि मैं आपको $15 में इतने पीबीएन बैकलिंक ले दूंगा, $20 में इतने पीबीएन बैकलिंक ले दूंगा, लेकिन आपको वो सब नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये होते क्या है कि कुछ जब तक आप पेमेंट कर देंगे कुछ टाइम तक आपका पीबीएन बैकलिंक ही अपनी वेबसाइट पर रखेंगे, और कुछ टाइम बाद उसे डिलीट भी कर देंगे, और हो सकता है ये जो पीबीएन बैकलिंक ले आपसे निश्चय रिलेटेड भी ना हो। तो मैं आपको जो है बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है फाइवर से कोई भी पीबीएन बैकलिंक की सर्विस लें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर हज़ारों जो है सर्विसेज मिल जाएंगी पीबीएन बैकलिंक से रिलेटेड, तो फाइवर से आप कभी भी पीबीएन बैकलिंक मत लीजिएगा। तो चलिए अब मैं जो है वीडियो के लास्ट पार्ट में आता हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ऐसी वेबसाइट जो कि परफेक्ट एग्जाम्पल है पीबीएन बैकलिंक का, जो मैंने रिसर्च करके निकाली है, जिसमें मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो वेबसाइट है holyfestivals.org, ठीक है। अब मैं इसको आपका थोड़ा इसका थोड़ा स्टैट्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो स्पैम स्कोर 2% है, डीए 58%, यानी कि ये इनकी मेन वेबसाइट है, डीए 58 है, पीए 51 है। तो आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी वेबसाइट हो सकती है, डीए 58 है। अब मैं इसको अगर आपको ट्रैफिक दिखाऊं तो आपको देखकर पता चल रहा होगा मेन वेबसाइट ये होली के ऊपर है, सारा कंटेंट इसको आप इस वेबसाइट पर आपको होली से रिलेटेड मिलेगा। अब मैं आपको ट्रैफिक दिखाऊं तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं एस्टिमेट मंथली ट्रैफिक 1.2 मिलियन, क्योंकि ये होली से वेबसाइट है और मार्च में इसका 1.2 मिलियन ट्रैफिक आया, क्योंकि होली 2019 में मार्च में ही आई थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1.2 मिलियन ट्रैफिक है, और अगर मैं आपको यहाँ पर सोर्स दिखाऊं तो सारा का सारा ऑलमोस्ट 90% यहाँ पर जो है सर्च, यानी कि ऑर्गेनिक है। और उसके बाद अगर आप सर्च भी करते हैं होली फेस्टिवल विशेज या हैप्पी होली विशेज, तो ये वेबसाइट चौथे या पांचवें नंबर पर या हो सकता है पहले नंबर पर भी रैंक कर दियो। तो ये आप जो है ट्रैफिक स्टैट्स भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि पीबीएन बैकलिंक इन्होंने जो है मेन जो काम इनका है सारी वेबसाइट ये रैंक कैसे करवाई है, इन्होंने टोटली मेरे अकॉर्डिंग पीबीएन बैकलिंक से करवाई है। यहाँ पर अगर आप इस वेबसाइट को अगर आप नीचे मैं स्क्रॉल करके दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर आप नीचे कराएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनका पूरा जो है ये पीबीएन नेटवर्क है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे ये जितने भी लिंक्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, इंटरनेशनल फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल, रीजनल फेस्टिवल, पूजा एंड व्रत फास्ट, ये सारी वेबसाइट, ये जितनी भी वेबसाइट है यहाँ पर दिख रही है आपको, क्रिसमस डे, ईस्टर एंड गुड फ्राइडे, ये इनके खुद की वेबसाइट है और इन्होंने यहाँ से पीबीएन बैकलिंक दिया हुआ है। तो अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊँ, क्रिसमस डे राइट क्लिक करके दिखाता हूँ, ओपन इन न्यू टैब, उसके बाद आप देखें ईस्टर डे, ये वाली भी, तो जितनी भी इनकी ये जो है ये जो सारी वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सारे पीबीएन बैकलिंक्स है। चलिए मैं इनको आपको ओपन करके दिखाता हूँ अलग अलग टैब में, तो आपको देखेंगे सारी इन्हीं की वेबसाइट है और अलग अलग डोमेन है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन्होंने कितने सारे पीबीएन बैकलिंक दिए हुए हैं। तो अगर आप देखें ये वाली भी इनकी वेबसाइट है, अब देखें ये वाली जो इनकी मेन वेबसाइट है होली फेस्टिवल डॉट ओ आर जी, इस पर भी इन्होंने यहाँ पर से लिंक दिया होगा। अगर आप देखें ये होली, तो अगर इस वेबसाइट पर क्लिक करूँगा मैं होली पर, तो ये वाली जो वेबसाइट है होली फेस्टिवल डॉट ओ आर जी पर आ जाऊँगा। इस पर देखिए ईस्टर फूड फ्राइडे, इस पर भी इन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है और पीबीएन बैकलिंक्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इनका पूरा जो वेबसाइट जो रैंक कर रही है वो ओनली ऑन पीबीएन बैकलिंक्स से रैंक कर रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी सारी इन्होंने पीबीएन बैकलिंक्स बनाई हुई हैं, पर इनकी रैंक क्यों कर रही है, क्योंकि इनकी जो जो पीबीएन बैकलिंक है वो पूरे इनके निश से रिलेटेड है। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी सारे फेस्टिवल से रिलेटेड इन्होंने वेबसाइट बनाई है, जैसे कि होली, दिवाली, ईस्टर, हिस्ट्री ऑफ ईस्टर, गुड फ्राइडे, जो सारे फेस्टिवल से रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है। तो अगर और भी वेबसाइट इनकी देखें तो सारी जो यहाँ पर आपको हर उसके लास्ट में आपको यहाँ पर पीबीएन बैकलिंक देखने को मिल ही जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह का कॉलम इन्होंने हर जगह बना रखा है, हर जगह इन्होंने पीबीएन बैकलिंक ले रखे हैं और इनकी वेबसाइट यहाँ पर भी रैंक करी है। और अगर देखें हर वेबसाइट का अच्छा खासा डीए है, किसी का 19 है, किसी का 35 है, किसी का यहाँ पर 21 है, किसी का 50 अबव भी है। तो सारी जो है इनका पूरा पीबीएन बैकलिंक से रिलेटेड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर वेबसाइट के नीचे आपको यहाँ पर इनके
PBN बैकलिंग मिलेंगे और एक दूसरे से इन्होंने डू फॉलो बैकलिंग दे रखे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छा खासा इन्होंने पूरा प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बना रखा है। कम से कम ये 40 से 50 वेबसाइट का इनका प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क होगा। तो इन्हें डू फॉलो बैकलिंग लेने की और कहीं से ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपस में जो है लिंक्स को इंटरचेंज करके बैकलिंक बनाए जा रहे हैं और इनकी वेबसाइट रैंक भी कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर ट्रैफिक भी कितना अच्छा खासा यहाँ पर आ रहा है, 1.2 मिलियन मंथली ट्रैफिक है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रैफिक ये नहीं कि धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, एकदम से आप देख पा रहे होंगे यहाँ से एकदम से ट्रैफिक यहाँ से बूस्ट हुआ है। तो ये सारा PBN बैकलिंक का कमाल है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, PBN बैकलिंक अगर आपके निच से रिलेटेड है तो ही वो आपकी वेबसाइट के लिए बेनिफिशियल है। अगर आपके निश से रिलेटेड नहीं है तो आप जो है उनसे वेबसाइट से PBN बैकलिंक्स मत लीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा PBN बैकलिंक क्या है, कैसे काम करता है, क्या बेनिफिट है, कौन सी SEO टेक्निक में आता है। तो आई होप इसके बाद आपको जो है सर्च करने की या फिर देखने की मेरे से क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी PBN बैकलिंक्स क्या होते हैं। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर 100% दूंगा। नहीं तो फेसबुक पेज ब्लॉगिंग Q&A पर मुझे कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर मैं आपके आंसर इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा। तो मेक श्योर आप जो है फेसबुक पेज को जो है लाइक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड, SEO से रिलेटेड, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड आप ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मिस कर देंगे जो आपको इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलने वाली है। तो मेक श्योर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैं मिलता हूं आपको एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव